हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मेरी किचन शालूज लव बुक पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको व्रत वाली आलू की सब्जी सिखाऊंगी, किस तरह से रसेदार सब्जी आप बना सकते हैं जिसको कि आप व्रत में आप इंजॉय कर सकते हैं। तो पूड़ी, कूटू की पूड़ी या फिर सिंघाड़े की पूड़ी के साथ, या फिर व्रत की कोई भी पूड़ी हो उसके साथ आप इंजॉय कर सकते हैं। आइए देख लेते हैं किस तरह से इसको बनाना है। तो देखिए, इसको बनाने के लिए सबसे पहले दो मैंने आलू लिए हैं, एक बड़े साइज का आलू लिया है, एक मीडियम साइज का आलू है, और ग्राम्स में लगभग ये 250 ग्राम आलू है। तो इसे सबसे पहले आप छील लीजिए। छीलने के बाद में इसको हम हाथों से मैश करेंगे। तो ये देखिए, छील लिया मैंने, अब इसको हाथों से ये देखिए इस तरह से मैश कर लीजिए। तो जितने बड़े या छोटे टुकड़े आप रखना चाहें उस हिसाब से आप इसको तोड़ सकते हैं। बहुत ज़्यादा एकदम महीन हमको नहीं फोड़ना है, हल्का सा आप ये देखिए इसको फोड़े और अंगूठे की सहायता से फोड़ेंगे तो ये देखिए थोड़े से बड़े टुकड़ों में फूट जाएगा। तो वैसे तो थोड़े से बड़े टुकड़े अच्छे लगते हैं, मैं यहाँ पर थोड़े से बड़े और थोड़े छोटे दोनों तरह के पीसेज रख रही हूँ। अब ये देखिए इसमें पानी हमें ऐड करना है, तो इतने क्वांटिटी में मैंने 1.5 ग्लास के करीब पानी ऐड किया है। ये देखिए टोटल मैं 1.5 ग्लास पानी ऐड कर रही हूँ। पानी की क्वांटिटी वैसे कोई फिक्स नहीं है, आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, जितनी गाढ़ी या पतली आपको पसंद हो उस हिसाब से आप पानी ऐड करें। तो अब फ्रेंड्स, मैं आपको दिखा देती हूँ इस सब्जी में है एक ट्विस्ट। इसमें हम ऐड करेंगे यहाँ पर कूटू का आटा। मैंने यहाँ पर 1.5 चम्मच कूटू का आटा ले रखा है, तो वो मैं ऐड करूँगी। अगर आपके पास कूटू का आटा नहीं है तो आप इस सब्जी को सिंघाड़े के आटे से भी बना सकते हैं, या फिर बिना आटे के, बिना सिंघाड़े या कूटू के आटे के भी इस सब्जी को बनाया जा सकता है। पर अगर आप कूटू के आटा ऐड करेंगे या सिंघाड़े का आटा ऐड करेंगे तो बहुत ही टेस्टी सब्जी बनती है। ये देखिए कढ़ाई ली है मैंने, लोहे की कढ़ाई ली है, इस बात का ध्यान दें तो बहुत अच्छा होगा। लोहे की कढ़ाई में सब्जी स्पेशली कलर बहुत अच्छा आता है और बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो 2 टेबलस्पून मैंने लिया है रिफाइंड ऑयल और उसमें मैंने 1 टीस्पून देसी घी ऐड किया है। तो थोड़े से देसी घी ऐड करने से टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अच्छा, घी गर्म हो जाएगा, जब अच्छे से गर्म हो जाए तब इसमें आप थोड़ा सा जीरा ऐड कर दें, जीरा बहुत ज़्यादा ऐड ना करें। तो आधी छोटी चम्मच मैंने जीरा ऐड किया है। इसके साथ ही अच्छी क्वांटिटी में हमें हरी मिर्च ऐड करनी है, तो लगभग 3 से 4 हरी मिर्च आप काट कर ऐड कर दें। व्रत के लिए बना रहे हैं, थोड़ी सी चटपटी बनाएंगे तो सब्जी बहुत अच्छी बनेगी। तो ये देखिए हरी मिर्च भी इसमें जा चुकी है। तो फ्रेंड्स, अब इसमें हमें ऐड करना होगा धनिया पाउडर। तो मैंने लगभग 1 टीस्पून लिया है यहाँ पर धनिया पाउडर, वो मैं ऐड कर रही हूँ। इसके साथ ही फ्रेंड्स, अब जो हमने कूटू का आटा लिया था वो मैं ऐड कर दूंगी इसमें। आप ये सब्जी इस तरह से बनाकर देखें, आप देखिएगा बहुत ही टेस्टी लगती है, और कूटू के आटे से बहुत अच्छा टेस्ट भी आता है, बहुत अच्छा सौंधापन आता है, साथ ही सब्जी को गाढ़ा करने में भी बहुत हेल्प करती है। तो ये देखिए इस तरह से लो मीडियम फ्लेम पर आप आटे को भून लीजिए। तो आटे को हमें थोड़ा सा भूनना है, तो लगभग 1 से 1.5 मिनट तक इसको लो मीडियम फ्लेम पर हम भूनेंगे ताकि जो कूटू का आटा है उसका कच्चापन चला जाए, साथ ही ये जब डार्क कलर का भुन जाएगा तभी हम इसमें पानी और आलू ऐड करेंगे। तो हल्का सा भुन जाइए, तो 1.5 से 2 मिनट तक आप इसको भून लीजिए लो मीडियम फ्लेम पर, जलने ना पाए इस बात का ध्यान रखें। कलर बहुत अच्छा आता है अगर आप आटे को भून लेंगे तो, कच्चा ना रहे इस बात का ध्यान रखें। ये देखिए अब इसमें ये हम आलू और पानी दोनों एक साथ ऐड कर देंगे, अच्छे से मिक्स कर लीजिए, आप चला लीजिए। फ्लेम को मैंने मीडियम से हाई के बीच में कर दिया है और मीडियम हाई फ्लेम पर हम इसको पकने देंगे। ये देखिए बीच बीच में चलाते जाइए, जब इसमें बॉयल आने लगे अच्छे से, जब ये खोल जाएगा तब इसमें हम नमक ऐड करेंगे। तो हमने ये सब्जी व्रत के लिए बनाई है, तो इसमें हम सेंधा नमक यूज करने वाले हैं फ्रेंड्स। ये देखिए लगभग 3 से 4 मिनट बाद ये सब्जी हमारी इस तरह से खोलने लगी है, आप मिक्स कर दीजिए, एक बार चला लीजिए, और इसमें हम सेंधा नमक ऐड करेंगे। तो आपने जितनी सब्जी बनाई हो या फिर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसमें नमक ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर लगभग आधी चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा नमक ऐड करूँगी, बाद में आप टेस्ट करके देख सकते हैं, और नमक आप कभी भी बढ़ा सकते हैं। ये देखिए आधा नींबू का रस हम इस पर निचोड़ेंगे, नींबू के रस से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अगर आपके पास नींबू नहीं है या व्रत में अगर नहीं खाते हैं आप, तो आप इसमें अमचूर पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए लास्ट में इस पर हम ऐड करेंगे टेस्ट के लिए थोड़ी सी काली मिर्च, आप चाहें तो इसमें फ्रेश काली मिर्च कूट कर ऐड कर सकते हैं। तुरंत आप कूटें, तुरंत उसको पाउडर बनाएं और तुरंत आप ऐड करें, तो उससे बहुत ही अच्छा एक तीखापन आता है जो सब्जी को बहुत ही ज़्यादा बहुत अच्छा टेस्ट देता है, बहुत अच्छा तीखापन देता है, और व्रत की सब्जी बहुत ही चटपटी, बहुत ही बढ़िया लगती है। तो ये देखिए ये है कूटू वाली रसेदार आलू की सब्जी, आप इस तरह से बनाकर ज़रूर देखें, और इसको एक बार आप फिर से बॉयल ले लीजिए, और बस ये हमारी आलू की सब्जी व्रत के लिए रेडी है। इसको आप चिप्स के साथ, आलू के चिप्स के साथ इंजॉय कर सकते हैं, या फिर सिंघाड़े की पूड़ी या फिर कूटू के आटे की पूड़ी, किसी के साथ भी आप इसको खाइए, बहुत अच्छी लगती है। तो फिलहाल तो ये सब्जी बनकर बिल्कुल रेडी है, तो मैं तो जा रही हूँ इसको इंजॉय करने,
और शिवरात्रि आने वाली है, कोई और भी फेस्टिवल आपके घर में हो जिसमें आप व्रत रखते हो, तो आप ये सब्जी बनाकर देखिए, बहुत अच्छी लगेगी आपको। तो बनाइए ये रेसिपी, कैसी लगी आपको मेरी ये सब्जी की रेसिपी लिखकर जरूर बताइए। रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय।